नेस्ट्स यानी घोंसले, जहां बर्ड्स अपने एग्स ले करती हैं। पर शहरों में अब ये देखने को नहीं मिलता, क्योंकि यहां हर दिन रोड्स, बिल्डिंग्स और इंडस्ट्रीज बनती जा रही हैं, जिसकी वजह से हंड्रेड्स ऑफ एकर्स ऑफ जंगल्स और ट्रीज को काटा जा रहा है, जो कि बर्ड्स का घर हुआ करते थे। अब बर्ड्स को घर पे बुलाने के लिए कभी तो हम दाना रख देते हैं और कभी पिंजरे में कैद करके घर ले आते हैं। पर आज इस वीडियो में हम इन्हीं बर्ड्स को वापस बुलाने का एक नया तरीका सीखेंगे, उनके लिए अपने हाथों से नेस्ट बना के। और इसके लिए मिलते हैं राकेश जी से। नमस्कार, मेरा नाम राकेश खत्री है और मुझे दुनिया भर में नेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। राकेश जी बर्ड्स के लिए घोंसले बनाते हैं और अभी तक वो अराउंड 2.5 लाख नेस्ट बना चुके हैं। राकेश जी की पूरी स्टोरी पे हम पहले भी एक वीडियो बना चुके हैं, तो उसका लिंक हम कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देंगे। और आज राकेश जी हम सबको दो इजी वे में घोंसले बनाने के तरीके सिखाएंगे। नमस्कार, मेरे पास एक ये छोटा सा पैकेट है जिसके अंदर बहुत जादू का सामान है, जिससे एक चिड़िया का घर बनता है। पहले पैकेट के अंदर हमारे पास एक नारियल का रेशा है, एक कपड़ा है, ये इस तरीके से 5 बैम्बू के रिंग्स हैं, एक ये रस्सी है हमारे पास, एक डंडी है, एक ये सफेद धागा है हमारे पास, एक ये काला धागा है इस तरीके से, और एक चूड़ी है। चलिए तो शुरुआत करते हैं घोंसला बनाने की। आप इसको पकड़ें, सबसे पहले यहाँ से इसमें से एक धागा आप ले लें और आप एक धागा यहाँ बांधिए चारों तरफ से घुमा के ऊपर। ऐसे ही आपको अलग अलग जॉइंट्स के ऊपर नॉट लगानी है। आपने 5 अलग अलग अल्टरनेट जॉइंट्स के ऊपर आपने धागा बांधना है इसका, ताकि वो उसको मजबूती दे सके उसके घर को। ये आपका एक स्केलेटन बन गया पूरा, और एक ग्लोब की शेप के अंदर आपके पास एक शेप आ गई है पूरी। आपके पास एक चूड़ी थी उसके अंदर, जो हमने चूड़ी ली थी, उस चूड़ी को हम यहाँ कहीं पे भी एक अच्छी जगह देख के और बांध देंगे। ये हमारा अब इसके अंदर जाने का एक रास्ता हो गया। ये एक स्टिक है हमारे हाथ में छोटी सी, हम स्टिक को ले जाएंगे इस तरीके से, और इसको हरा वाला पोर्शन इसका ऊपर रखेंगे, और इस चूड़ी को यहाँ हम दो धागे बांधेंगे, दो, ताकि वो मजबूत रहे थोड़ी सी, क्योंकि यही उसका बेस है। इसी के ऊपर मैं आपको बताऊंगा कि चिड़िया आके बैठती है। अब हमें वो कपड़ा लेना है जो कपड़ा हमारे पास था, और कुछ नहीं करना, आपने इस कपड़े को यहाँ कॉर्नर के ऊपर कैंची से इतना सा एक स्लिट लगा देना है, हल्का सा कट लगेगा, और वो कट लगने के बाद आपका कपड़ा ऐसा हो जाएगा। फिर उस कपड़े को आप इस तरीके से बर्फी की शेप में रखेंगे, इस घोंसले को पकड़ेंगे, आपको चारों तरफ से इसके कॉर्नर्स को बराबर कर लेना है ताकि वो इस तरीके की शेप में आ जाए। आपने उस रस्सी को लेना है, यहाँ पे इस तरीके से बांधते चले जाएंगे कस के, और फिर यहाँ एक अच्छे से गांठ लगा देंगे। ये चूड़ी का इम्प्रेशन आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, तो ये इसके अंदर जाने का दरवाजा है। उस चूड़ी वाले दरवाजे के ऊपर छोटी सी स्लिट लगानी है इस तरीके से, इससे बड़ा होल नहीं करेंगे आप, और थंब को लेके इस तरीके से आप घुमा देंगे, तो इतना बड़ा होल करना है बस। इस जूट को आपने अच्छे तरीके से स्प्रेड करना है, इसके बीच में एक छोटा सा ऐसे होल करके रखेंगे। इस नेस्ट की ये डंडी इस आप इस तरीके से डालेंगे यहाँ, इसको सारे जूट को इसके चारों तरफ कवर करेंगे। आप देख लेंगे कहीं कपड़ा अगर दिख रहा हो तो वहाँ जूट कर देंगे। फिर इस रस्सी को लेंगे आप, और इस रस्सी का पहला जो राउंड है वो उंगली में इतना सा छोड़ के आप इस डंडी के ऊपर इस तरीके से कवर कर लेंगे, और कवर करने के बाद फिर आप इसको यहाँ से पकड़ेंगे और आप इसको बांधना शुरू करेंगे इस तरीके से। जहाँ जहाँ से आपका जूट उठा हुआ है वो जूट उस जगह से वो सारा का सारा कवर हो जाए। और ये काली और सफेद रस्सी जो इसके ऊपर हमने बांधी है उससे इसको बांध देंगे ताकि ये हिले ना। और नेस्ट बनाने के लिए अगर आपको बैम्बू और जूट ढूंढने में दिक्कत आ रही है, तो आप इस ईमेल आईडी पे राकेश जी को इसके रिगार्डिंग एक मेल कर सकते हैं, या फिर आप घर पे पड़े हुए कुछ इजी और सिंपल मटेरियल से भी नेस्ट बना सकते हैं। लेट्स सी कैसे। ये एक कंटेनर है, आपने कुछ नहीं करना, चाकू को गर्म करना है, यहाँ से इतना काट देना है और एक होल यहाँ कर देना है। इसके और इसके बीच में ये 4 फिंगर्स का डिफरेंस रहना बहुत जरूरी है। फिर आप पेंसिल ले लें, उसमें ये पेंसिल इस तरीके से लग जाएगी जो उसके बैठने की डंडी है। इसके बाद इस डिब्बे को खोलें आप, एक एक कपड़ा ले लें, आपको मैंने कहा था पुराना कपड़ा आपके घर में होगा वो आप इस तरीके से इसके अंदर डाल दें। आप थोड़ा सा जूट ले लें, कहीं से मिल जाएगा। आपको जूट नहीं मिलता कोई प्रॉब्लम नहीं, आप रुई ले लें। आपको रुई नहीं मिलती, आपके घर में पुराना स्वेटर होगा, आप उसको उधेड़ लें और उसका ऊन इसमें डाल दें। उसके बाद इस ढक्कन को आप लगा दें दोबारा, इस रस्सी को ले लें, आप इसके ऊपर इसको बांधना शुरू कर दें। तकरीबन 20 मीटर रस्सी है जो आपने बांधनी है इसके ऊपर,
उसके बाद आपने ढक्कन को कस के बंद कर दिया। अब ये आपका प्लास्टिक का पोर्शन और ये ढक्कन वगैरह सब रह जाता है। आप कुछ ना करें, बाहर घास लें आप सूखी, उसको चारों तरफ चिपका दें, ये पोर्शन सिर्फ खुला छोड़ दें आप, बाकी सब चिपका दें पीछे भी। इसको भी सेम प्रोसेस के हिसाब से दीवार में कील लगा के आपने इस तरीके से लगा देना है, ये हिलना नहीं चाहिए। अब घोंसला तो बन गया, पर नेस्ट बनाते वक्त घोंसले की एंट्री और बर्ड के बैठने की डंडी पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। आपने देखा इसमें एक होल यहाँ है, एक ये डंडी है, इसके बीच में ये इतनी उंगलियों का डिफरेंस है। ये इसलिए रखा जाता है कि अगर ये होल थोड़ा सा उसका अंदर जाने का रास्ता नीचे होगा तो क्रो या मैना या कोई और दूसरा पक्षी उसके अंडों को नुकसान करेगा या बच्चों को मार देगा, तो इसलिए इतना गैप रखा जाता है, ये गहरा रहता है काफ़ी। ये चिड़िया जब इसके अंदर चली जाती है अपने अंडे देने के लिए, फिर वो बाहर नहीं आती, तब तक मेल सारा काम संभालता है बाहर से, उसको खाना खिलाना। जब वो चिड़िया आती है तो वो इसी डंडी पे बैठती है, यहाँ निकल के आवाज़ लगाती है, उनको वाते हैं, उनको खाना खिलाती है, फिर चली जाती है। अभी भी ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एक्चुअली में नेस्ट्स को लगाया कहाँ जाए सो दैट बर्ड्स आके उनमें रह सकें, क्योंकि अगर हम नेस्ट्स को गलत जगह या गलत तरीके से लगाएंगे इनमें बर्ड्स कभी भी रहने नहीं आएंगी। लगाने के लिए सबसे मुफीद और सबसे अच्छी जगह, हालांकि ये जगह नीची है लेकिन आप 10 से 12 फीट की ऊंचाई पे इस तरीके के वी शेप के अंदर आप इसको फंसा सकते हैं, ये हिलेगा नहीं। आप इस रस्सी से इसको चारों तरफ से बांध दें, अगर ये नहीं हिलेगा तो चिड़िया बहुत जल्दी इसके अंदर घर बनाएगी। तो उससे भी बेहतर जगह ये कांटे वाले तारों के बीच में आप इसको यहाँ बांध दें, बेर का पेड़ हो, अनार का हो, या करौंदे का हो, या और कीकर का पेड़ हो, ऐसी जगह जहाँ थोड़ा सा कंजस्टेड हो, और कुछ ना मिले तो बोगनविलिया की झाड़ियों के अंदर आप इसको लगा सकते हैं। उसको आपको सिर्फ थोड़ा सा अटकाना पड़ेगा और रस्सी से बांधना पड़ेगा, तो उससे क्या है दूसरे जानवर दूसरे पक्षी जो होते हैं वो वहाँ नहीं जा सकेंगे, उसके घोंसले को वो वहाँ पर सुरक्षित रहेगा। दीवार पर लगाना चाहें तो वही 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर लगाएं, इसके अंदर खाने का कोई सामान ना डालें, आप जो भी रखना है साइड में टांगें या नीचे रखें। ये एक साल तो पूरा चले गई, 3 जनरेशन तो इसमें कम से कम आएंगी, ये भी हो सकता है वो उसके आगे भी चले, तो आप इसको एज इट इज छोड़ दें, वो अब चिड़िया अपने आप आएगी, अपने लिए दोबारा घास लाएगी, उसके अंदर घास डाल के वो बच्चे देगी और फिर दोबारा से अपना आशियाना बसाएगी। इन नेस्ट्स को लगाने का बेस्ट टाइम फरवरी के आसपास माना जाता है, क्योंकि इसी समय मोस्ट बर्ड्स का मेटिंग सीजन स्टार्ट होता है, तो वो मेटिंग के बाद एग्स ले करने के लिए कोई सेफ जगह ढूंढती हैं, और इसीलिए इस समय हमारे बनाए नेस्ट को एक्सेप्ट करने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब चिड़िया के बच्चों के रहने और मदर चिड़िया के बैठने का पूरा अरेंजमेंट तो हो गया, पर अब ये जानना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि मदर चिड़िया अपने बच्चों को रेज कैसे करती है। जब अंडों में से बच्चे बाहर आ जाते हैं तो कुछ दिन के बाद चिड़िया बाहर आ जाती है, क्योंकि बच्चे बहुत शैतान हो जाते हैं और जगह भी नहीं होती। जब ये बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो फिर ये भी उड़ जाते हैं, ये घोंसला खाली नहीं रहता, कोई और दूसरा ग्रुप आके चिड़िया का इसके अंदर अपना घर बना लेता है। इसीलिए मैंने आपसे कहा था अगर आप सही ढंग से इस घोंसले को बनाएंगे तो 3 जनरेशन इसके अंदर जन्म लेंगी और प्रकृति के अंदर मिलके उसको प्रकृति को फ्लरिश रखेंगी। हमने अपने घर बनाने के लिए कहीं ना कहीं बर्ड्स और एनिमल्स के घर उजाड़ दिए, एंड आई थिंक इट्स टाइम कि अब हम अपने घर में एक छोटी सी जगह इन बर्ड्स को दें। तो अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपको एक नई स्किल सिखाई है तो इस वीडियो को शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस बारे में बताइएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये स्किल सीख पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा बर्ड्स को उनका घर मिल पाए। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट वीक। ऐसे ही एनवायरमेंट अवेयरनेस पे फिल्म्स बनाते हैं, तो अगर आप एनवायरमेंट को लेकर थोड़ा सा भी सीरियस हैं और उसे सेव करना चाहते हैं तो आप इको फ्रीक्स नाम के फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हम ऐसे लोगों की कम्युनिटी बनाना चाहते हैं जो एनवायरमेंट के बेटरमेंट के लिए कुछ कर रहे हों। तो अगर आप किसी ऐसे को जानते हैं या आप खुद कुछ ऐसा कर रहे हैं तो आप इस ग्रुप में जाके पोस्ट कर सकते हैं सो दैट और लोगों को इसके बारे में पता चले। लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। थैंक यू एंड टेक केयर।